नॉर्मली हमने पीवीसी आधार कार्ड का कुछ दिनों पहले ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई किया था, जो कि हमें आज इंडिया पोस्ट के द्वारा मिल चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, तो देखते हैं कि इसका फर्स्ट लुक हमें किस प्रकार से लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आज का अनबॉक्सिंग वीडियो, और हाँ, यदि आप जानना चाहते हैं कि इसको अप्लाई किस प्रकार कर सकते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन में इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आप अप्लाई करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं और अपना जो आधार कार्ड है उसका कटिंग करके, लिफाफे को कट करके आधार कार्ड को बाहर निकालते हैं। ये फर्स्ट लुक है, पहली बार मैं प्लास्टिक का आधार कार्ड है जो कि खुद के लिए ऑर्डर कर रहा हूँ। आ जा भाई, लगता है चिपका हुआ है। ये आ गया। अब इसके अंदर जो आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ फर्स्ट में देखने को मिल जाता है, यहाँ अपना पूरा एड्रेस है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो जैसे ही आप इसे फोल्ड से अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड है जो कि ये ग्लू से चिपका हुआ मिलेगा। इसे हम उखेड़ लेते हैं। जैसे ही हम इसे उखेड़ लेते हैं और यहाँ पे आपको कुछ सिक्योरिटी इसकी जो ऑप्शंस है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, पद छवि वगैरह जो भी इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे कि इस प्रकार से यहाँ पर ये होलोग्राम दिया हुआ है या फिर क्यूआर कोड वाला सारा कुछ सिस्टम आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। ये एक प्रकार के गोपनीय भी आप मान सकते हैं इसे, क्योंकि काफ़ी कुछ जानकारी है वो मतलब आपको एकदम देखते हैं तो वो आपको दिखाई नहीं देता है। तो नॉर्मली ये है हमारा प्लास्टिक का जो आधार कार्ड, काफ़ी कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, और एक नॉर्मल आधार कार्ड है उससे काफ़ी कुछ भिन्न है, क्योंकि वो एक प्रकार का वाइट था और ये एक भारत के कलर के अनुसार आ गया है, तो काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा है। और इसे यदि हम फोल्ड करें इस तरह से तो किसी प्रकार का मतलब टूटना वगैरह इसमें नहीं है, अच्छी तरह से फोल्ड भी हो रहा है। और काफ़ी कुछ सिंपल प्रोसेस है आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने का, आप भी कर सकते हैं। मात्र 50 रुपये का पेमेंट आपको करना होता है, और जैसे ही आपका 50 रुपये का पेमेंट कन्फर्म होता है तो ये प्रिंट होकर आ जाता है। तो इसके जो सिक्योरिटी ऑप्शंस हैं वो हम देख लेते हैं। और ये जो बैग का क्यूआर कोड है, इसमें आप किसी भी क्यूआर कोड या अपने आधार के क्यूआर कोड से भी स्कैन करके डिटेल है वो चेक कर सकते हैं। तो मुझे ये काफ़ी कुछ दिलचस्प लगा, अच्छा लगा, और मैंने इसे तोड़ने की कोशिश भी की थी। मैंने ये क्या पता कि किसी का हाथ कोई ऐसा करे तो ये टूट सकता नहीं, लेकिन हाँ यदि काफ़ी हद तक ये मजबूत भी है। तो दोस्तों यदि आपको अप्लाई करना है तो हमारा दिया हुआ वीडियो ज़रूर देखें, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए पीआर पार्टी वीडियोज़ को।